नमस्कार दोस्तों, माय ओपिनियन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और इसके पहले मैं मेंस भी दे चुका हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ इसलिए कि मैंने जो तैयारी के दौरान मैंने जो भी सीखा है, समझा है, उसके माध्यम से और उसके बिहाफ पर मैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको कुछ गाइड कर सकूँ, हेल्प कर सकूं। क्योंकि जब हम नए होते हैं या हम तैयारी के दौरान होते हैं, तो हम बहुत सारे चुनौतियों से गुजरते रहते हैं। जैसे कि जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको ये चैलेंज होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी बुक चाहिए या कितना पढ़ना ज़रूरी है। जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग इधर उधर जाता है, ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो इन चुनौतियों को हम सामना करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे और 69th BPSC को टारगेट करें या कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करें, तो उसके लिए जो भी सजेशंस हो सकते हैं मैं देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें BPSC या कोई भी एग्ज़ाम का। जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सिलेबस से ये हमें पता चलता है कि हमें किस दायरे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो कितने एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट से कुछ सेलेक्टेड पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि UPSC में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि BPSC में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें रास्ता बताता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि क्योंकि जब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना डीप क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं या कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें टाइम टाइम पर देखते रहना चाहिए, ताकि हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो समझ में आए कि हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है एग्ज़ाम को शुरुआत में, वो है टॉपर्स के वीडियो देखना। जो भी टॉपर्स हैं, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम को निकाल चुके हैं, उनके वीडियो देखना चाहिए, ताकि हमारे क्लैरिटी अच्छे से आ जाए उस एग्ज़ाम को लेकर। इसके अलावा उनके वीडियो देखेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये तीन चीज़ें जरूरी होती है, इसके साथ शुरुआत किया जाता है। इसके अलावा कौन से बुक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के कौन से इम्पॉर्टेंट बुक हैं, ये भी ज़रूरी होता है। तो इस BPSC के लिए मैं बुक फॉलो करता हूँ, वो मैं अगले आने वाले वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, और सजेशन हो तो हमें सजेशन दें। और तब तक के लिए गुड बाय, बी पॉजिटिव एंड स्टडी हार्ड।